मैं ऑन करने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, अभी है ऑन, तेरा रहेगा ऑन। मैं अभी कुछ बोलने नहीं वाला, हर 5-10 मिनट में जाके लोगों को निकाल दूंगा मीटिंग से, देन अपने आप लोग आ जाओगे लाइन पे। ये ऐसा आपको लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपने ऐसे लेक्चर अटेंड किए थे क्या, बिस्तर पे लेट के देन एकदम कैजुअली? दिस इज नॉट द वे टू अटेंड लेक्चर्स। अभी मैंने खुद सोहम का भी कैमरा ऑफ है, अभी ऑन किया। हाँ, मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। सो आप लोग का वो अलाइनमेंट अपना हो जाए कि अपन कहाँ घूम रहे थे लास्ट टाइम, देन अपन क्विकली वी कैन बिल्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट पे आगे चल सकते हैं। चलो, सो हाइड्रो हेलोजिनेशन, कैन आई राइट जस्ट HX, ये समझ में आएगा? हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम HX ऐड करने वाले। इज दिस अंडरस्टूड? ये जनरल टर्म्स में मैं बातें कर रहा हूँ। अल्कीन में आई एम गोइंग टू ऐड HX। व्हाट इज HX? इट कैन बी HCl, HBr, HR। याद आ रहा है? यहीं पे अपन लास्ट टाइम रुके थे। दिस इज वेयर वी हैव स्टॉप्ड लास्ट टाइम। नाउ इसमें दो वैरायटी आएंगी, दो वैरायटी। कौन सी दो वैरायटी आएंगी इसमें? इसमें पहला वैरायटी आएगा सिमेट्रिकल, दूसरा आएगा एसिमेट्रिकल। करेक्ट? सिमेट्रिकल मतलब क्या? जहां पे मेरा अल्कीन अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिवाइड करूं तो इक्वल दो हाफ्स मुझे मिल जाएंगे। सिमेट्रिकल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है बता दो मुझे। सिमेट्रिकल में किसी को कुछ प्रॉब्लम? लास्ट टाइम जो हमने किया था, लास्ट रिएक्शन जो अपना हुआ था लास्ट टाइम, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? So please ask me. अपन रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर एक बार वो शॉर्ट में रिवाइज कर दो ना। हाँ ठीक है, ये देख, सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या पहले वो बताया था। So CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों? डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर मैंने कट किया मॉलिक्यूल को तो दो इक्वल हाफ्स मुझे मिल जाते हैं। सो इसको आई कैन डेफिनेटली कॉल एज सिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर? इसी तरह से अगर मुझे ये अल्कीन दिया गया CH3CH, जस्ट अ सेकंड, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है। व्हाई? बिकॉज इसको भी अगर मैं डबल बॉन्ड से कट करूंगा तो दोनों तरफ इक्वल हाफ्स मुझे नजर आएंगे। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हाफ्स नजर आएंगे। ये हो गया। अब जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, अब मैं क्या करूंगा? सपोज मुझे एग्जाम में दिया जाता है कि यू हैव टू ऐड HBr इन दिस अल्कीन, इस अल्कीन में आपको HBr ऐड करना है, सो हाउ यू विल प्रोसीड? जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उनको, एक कार्बन को आप दे दोगे H, दूसरे कार्बन को आप दे दोगे Br। ठीक है, मुझे ये टेंशन नहीं लेना कि किस कार्बन को H2 किसको Br2, इन दोनों में से किसी को भी H दे दो किसी को भी Br दे दो, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, सो वी डोंट हैव टू वरी कि किस कार्बन को क्या मिलेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सर आई हैव, हाँ पूछ पूछ अश्विनी, क्या डाउट है? सर मैं क्या बोल रहा था कि मतलब ये जो सिस अल्केन है, सिस और ट्रांस दोनों भी, तो सर मतलब इसमें ऐसा ऐड करने का आएगा? अश्विनी अश्विनी अश्विनी, ये सिस और ट्रांस नहीं है, और ये तो मतलब एक, ये क्या है सर? हाइड्रोलाइजेशन ऑफ अल्कीन का पार्ट है, राइट? रिएक्शन नहीं, वो सिंथेसिस था, ये रिएक्शन। सो प्रोडक्ट तेरा क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3।
एंड मैं क्या करूंगा, आई कैन ऐड एच ओवर हियर एंड लेट बी ऑन ओवर हियर, दैट्स इट, जॉब इज डन. अंडरस्टूड? इफ यू नोटिस, डबल बॉन्ड हमने गायब कर दिया है. क्यों गायब कर दिया? बिकॉज डबल बॉन्ड की जगह हमने दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी पूरी की है. दोनों कार्बन को हमने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है जिससे उनकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है. दोनों कार्बन के चार चार वैलेंसी पूरे हो गए हैं. क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर है? सो सिमेट्रिकल एल्केन इज डन. नाउ आई एम मूविंग टू एसिमेट्रिकल. इफ यू रिमेंबर, फ्लो चार्ट में मैंने आपको 3.1, 3.2, 3.3 लिखवाया था. याद आ रहा है? आपकी बुक में चेक करो. आपके बुक में चेक करो. यस सर. यस सर. लिखा है आपने? हाँ, शाबाश. सो अभी अपन क्या करेंगे? अब हम 3.2 सर, मार्कोनी कॉफ रूल लिख, 3.2 मार्कोनी कॉफ रूल, 3.2 मार्कोनी कॉफ रूल. बुक में लिखो और लिख के कैमरा में दिखाओ अपनी बुक मुझे. सबके सब बुक में टाइटल लिखो, मार्कोनिकोफ रूल. बुक में टाइटल लिखना है मार्कोनिकोफ रूल और वो बुक मुझे दिखाना है कैमरा में. अश्विनी यार, तू ऑडियो ऑन ही मत किया कर प्लीज. सॉरी सर, सॉरी. बिकॉज तू म्यूट नहीं करता है. सॉरी बोलने के लिए अलग से ऑन करता है, फिर से सॉरी बोलता है, फिर से म्यूट नहीं करता. चलो, वेल डन तरुण, बुक नीचे कर ले, शाबाश. त्रुषा, डन डन. इसका नाम लेते जाओ, आप लोग बुक नीचे कर लो. अथर्व, ओके. So, हम डन. अश्विनी डन, दीप चौहान हो गया, आयुष हो गया, शुभ ओके 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 ओके, अक्षत हो गया. बाकी लोग जल्दी जल्दी बुक दिखाओ, अपना बुक दिखाओ मुझे. देवेश और दर्शित कहाँ है बुक? सर मैं भी रखू नीचे. हाँ, मानव रख दे. मानव रख देते. देवेश दर्शित, बुक का है आप लोगों के? विदाउट बुक लेक्चर अटेंड कर रहे हो? ऑडियो ऑन कर दर्शित. देवेश, My voice is clear, students. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. एक बार नेटवर्क चेक कर ले. I think तेरे यहाँ से शायद इश्यू होगा, because बाकी लोगों को सही आ रहा है आवाज. ठीक है, पलक एक बार क्रॉस चेक कर ले. ओके, देवेश और दर्शित ट्राई करो कि लेक्चर बुक के साथ अटेंड करो, तो फिर आपको लेक्चर में और मजा आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. 3.2 Markovnikov's addition. Yes, sir. Yes, thank you very much, Devesh. 3.2 Markovnikov's addition में जा रहा हूँ मैं students. I'll take asymmetrical alkene. This is very very important reaction. So please focus over here. Okay, suppose this is my alkene. CH2 double bond CH3. ठीक है, CH2 double bond CH3. ये रहा मेरा alkene. ठीक है. इस अल्किन में मैं क्या करूंगा? इस अल्किन में सपोज मैंने आपको बोल दिया कि प्लीज मुझे ऐड करके दे दो इस अल्किन में HCl. HCl ऐड करके दे दो. ठीक है, HCl को प्रॉपर्ली लिख देता हूँ. HCl, यस. ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, स्टोरी आपको स्टोरी कैसे बोलनी है. आपको स्टोरी ऐसे बोलनी है, सबसे पहले आप बॉक्स कर दोगे वापस को डबल बॉन्ड कार्बन. सब ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये तो एसिमेट्रिकल है. कैसे एसिमेट्रिकल आपको पता चला? अगर मैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन को पूरे अल्किन को कट कर दूं, पूरे अल्किन को कट कर दूं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो मुझे दोनों तरफ इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे हैं. दोनों तरफ इक्वल हाफ्स मुझे नहीं मिल रहे हैं. देयरफॉर आई विल से दिस अल्किन इज एसिमेट्रिकल. क्या बोलूंगा मैं? दिस अल्किन इज एसिमेट्रिकल. क्लियर बात है? ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, अब इसको हटाता हूं मैं. चलो, लेट मी रिमूव दिस.
जस्ट सेकंड, मैं क्राउन मार के आ जाता हूँ उन बच्चों के लिए जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं. लेट मी रिमूव फ्यू ऑफ देम एंड देन वी कैन गो अहेड. चलो आशीष बाय बाय. और फोन में प्रीति बाय बाय. शुभ बाय बाय. और फोन में बाकी सब कैमरा कवर से. चलो लेट अस कम टू द कांसेप्ट. ठीक है, कांसेप्ट पे आते. चलो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं तो आप किस तरह से आगे बढ़ोगे? पहले आप डबली बॉन्ड कार्बन को बॉक्स में डाल दो. डबली बॉन्डेड कार्बन को आप बॉक्स में डाल दो. ठीक है, डन. बॉक्स में आ गए ये लोग. अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं ये पूछूंगा कि इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन एच के मामले में गरीब है? आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा कार्बन एच के मामले में गरीब है? सब के सब अग्री कर रहे हो. सी एच वाला बेचारा गरीब है एच के मामले में. तो मार्कोनिकोव जो अंकल है, याद आ रहा है अपने मार्कोनिकोव रूल टाइटल में लिखा है मार्कोनिकोव रूल. ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है मार्कोनिकोव क्या बोलता है? मार्कोनिकोव बोलता है गरीब को और गरीब बनाओ. क्या बोलता है? गरीब को और गरीब बनाओ. तो गरीब को और गरीब बनाने के लिए अगर मैं बोलता हूँ तुषार को, चल तुषार तुझे मैं मौका देता हूँ एच एन सी एल में से किसी एक को निकाल के यहाँ पे दे, तो बता ये बेचारा जो गरीब बैठा है, ये देखो ये जो बेचारा गरीब बैठा है मार्कोनिकोव के हिसाब से तुषार इस गरीब को क्या देगा? एच देगा कि सी एल देगा? मार्कोनिकोव ने बोला गरीब को और गरीब बनाओ. एच एच गरीब को और गरीब बनाओ बोला है. गरीब को और गरीब देगा. अंडरस्टूड? समझ में आया बात? गरीब को अगर अपन एज दे देंगे तो वो तो इक्वल हो गया ना, दोनों अमीर अमीर हो जाएंगे, दोनों के पास सेम सेम अर्जुन आ जाएगा. सो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दिस इज हाउ वी टू गो अहेड स्टूडेंट्स. दिस इज हाउ वी विल गो अहेड. सो हाँ एक मिनट आ रहा हूँ मैं. सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच एंड सी एच थ्री. ये हो गया स्टूडेंट्स. चेक करो ये मैंने क्या किया. कुछ ऐड किया मैंने अब तक? कुछ भी नो सर. हमने डबल बॉन्ड खाली हटा दिया. अब हम ऐड करने जाएंगे. सो अपन क्या करेंगे मार्कोनिकोव के हिसाब से? जस्ट अ सेकंड व्हाइल डू स्टूडेंट्स आई राइट इट ओवर हियर सो दैट आई कैन यूज द एंटायर स्पेस. ठीक है, चलेगा ना आपको? ये मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा बाजू में. ठीक है, ये देखो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट. अभी इस प्रोडक्ट में मैं एडिशन करना मुझे बाकी है. सो मार्कोनिकोव के हिसाब से तुषार बोलेगा ये ले गरीब, तुझे मैं और गरीब बनाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एच. ठीक है, गरीब को और गरीब बनाओ. इसको तुषार ने दे दिया सी एल एंड तुषार ने अमीर को जाके दे दिया एच. गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ. समझ में आ गई बात? ये देख शुभ, तुझे जरूरत नहीं पड़ता मानव के मोबाइल में आके लेक्चर अटेंड करने का अगर तूने वहां पे कैमरा ऑन रखा हो. नेक्स्ट सर, क्लास में बैठा. क्लास में बैठा मैं समझ गया, बट कैमरा क्यों ऑफ रखा है सर? वो बुक दिखा के भूल गया. अच्छी बात है. चलो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? ये देखो एक प्रोडक्ट तो आपने मार्कोनिकोव के हिसाब से बनाया. आपको ये रिएक्शन में हमेशा दो दो प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है बच्चे लोग, इस रिएक्शन में दो दो प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे. तो सार ने बोला कि मैंने सीएल, ये तो मैंने, ये जो पहला प्रोडक्ट है हमने मार्कोनिकोव के हिसाब से बनाया. ठीक है, तो ये हमेशा अपना मेजर प्रोडक्ट होता है. जो मार्कोनिकोव के हिसाब से बनाते हो वो हमेशा अपना मेजर प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स. हमेशा अपना मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर. देन अपन क्या करेंगे? चोरी से बिना मार्कोनिकोव को बताए अश्विनी. अब तुझे ऑडियो अनजॉइन करवाऊंगा फिर. ठीक है, अरे सुनाई ना दे, ये अलग से तेरा गेम चालू है. चलो अभी एक एक तो आपने मार्कोनिकोव से हिसाब से कर लिया. दूसरा तुषार क्या करेगा? तुषार बोलेगा चोरी से मैं मार्कोनिकोव के अगेंस्ट जाके काम कर लेता हूँ थोड़ा सा. सो टेल मी स्टूडेंट्स,
सो टेल मी स्टूडेंट्स क्या करेंगे बताओ. अब मैं सी एस टू को क्या दू एंटी मार्कोन को फिर मतलब मैंने गलती से एंटी मार्कोनिक ऑफ मेरे मुंह से निकलने लगा वो कभी नहीं बोलने का ठीक है. ये मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से जा रहे हैं बट माइनर ग्रुप बन रहे हैं. सो सी एस टू को इस बार देंगे अपन सी एल एंड सी एच को इस बार दे देंगे एच. समझ में आया? समझ में आया? उल्टा कर दिया हमने और इसको हम बोल देंगे दिस इज माई माइनर प्रोडक्ट. क्लियर? दिस इज माई माइनर प्रोडक्ट. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको एक बार नोट डाउन कर लो. एरो पे कुछ भी नहीं है. एरो पे यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग. रिएक्शन ऑलरेडी रिएक्टिव है. मिक्सचर ऑलरेडी रिएक्टिव है. सो पहले रिएक्शन लिख लो और जैसे मैंने आपको बोला स्टोरी वैसे बोलते बोलते जाओ. अच्छा एक और बात, डोंट यू थिंक वी विल हैव टू बैलेंस द रिएक्शन स्टूडेंट्स. दो प्रोडक्ट बने हैं नीचे. यस सर. यस सर. हमको यहां पे 2 एंड 2 लेना पड़ेगा. करेक्ट? ले लो उसको भी सर. एवरी टाइम कम से कम दो तो बनेगा ही ना. ये दो ही बनेगा ना एवरी टाइम. दो एवरी टाइम दो ही बनेगा. ना दो से कम ना दो से ज्यादा. इस रिएक्शन में ही खाली इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. ओके समझ में आया? चलो फटाफट बना लो. Should we begin students? आगे बढ़े. ये draw कर लिया. अब मैं क्या करूंगा, आपको same examples दूंगा, asymmetrical के ही examples दूंगा. अगर मैंने आपका hydro halide group change किया, ये देखो ये part अगर मैंने change किया तो आपको उसका कुछ भी tension नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप हमेशा Markovnikov rule ही follow करोगे. गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ. बस हमन यही काम करने चलेंगे, अपन यही काम करते चलेंगे. समझ में आ गई बात? एक और रिएक्टेंट मैं आपको सॉल्व करके देता हूं एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू यू. आई विल गिव एटलीस्ट 4 to 5 एग्जांपल्स व्हिच यू विल हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड दिस रिएक्शन हैज वेरी हाई चांसेस टू कम इन योर महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस ऑल्सो. इट इज हाईली फेवर्ड. महाराष्ट्र सीईटी में ये रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ये वाला और इसके बाद वाला 3.2 एंड 3.3. इफ यू कैन सी योर फ्लो चार्ट्स, अगर आपको अपना फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है जो मैंने बनवाया था 3.2 एंड 3.3, दैट इज मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ, आल्सो नोन एज खराशमायो इफेक्ट, आल्सो नोन एज खराशमायो इफेक्ट. ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो इसमें मास्टरी अपन कर लेंगे. एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू ऑल्सो गो इन टू द नेमिंग पार्ट. अगर आपको कॉमन नेमिंग तकलीफ हो रही है, आयोपैक नेमिंग करो. कॉमन नेमिंग हुशार मेक श्योर कि तू कॉमन नेमिंग भी करता रहे. ठीक है, आई थिंक बाकी किस किस का, आयुष का भी कॉमन नेमिंग ठीक ठाक है, तो आयुष का कॉमन नेमिंग भी साथ में कर. जिसका कॉमन नेमिंग परफेक्ट है कॉमन नेमिंग भी करो.
जिसका कॉमन नेमी ठीक नहीं है वो आगे पे एटलीस्ट करो, कॉमन नेमी पे मेहनत करो, ठीक है। एंड बिफोर आई डू दैट पहले तो इसको मैं निकाल दू बाहर, मोनाक थोड़ा दूसरे उस सेटिंग पर है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, आगे चल रहा हूँ, चलो स्टूडेंट्स आई विल गो अहेड। सो नेक्स्ट रिएक्टेंट इज, एक काम करता हूँ मैं आपको रिएक्टेंट लिख के देता हूँ, आप एक बार ट्राई मारो इसको, देन मैं करता हूँ, ठीक है। लेट अस सी इफ यू कैन डू दिस करेक्टली। यू हैव टू गिव मी मेजर एज वेल एज माइनर, मेजर एज वेल एज माइनर, बैलेंस द इक्वेशन, रिएक्शन को बैलेंस भी करना। सो आई विल नॉट राइट डाउन द स्ट्रक्चर, मैं नाम लिखूंगा, मेरा नाम है रिएक्टेंट का ब्यूट वन इन। देखो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ब्यूट वन इन में यू विल हैव टू एड एच बी आर, ये एड करो, ब्यूट वन इन में एच बी आर एड करो। एंड बताओ मुझे आप रिएक्शन, आपको बैलेंस कर, ऐसा लग रहा है मुझे बैलेंस करना चाहिए तो ही बैलेंस करना, मेरे बोलने पे मत जाना। एंड देन यू हैव टू गिव मी टू प्रोडक्ट्स आल्सो, बोथ दी प्रोडक्ट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कॉमन नेम एज वेल एज आयु पैक नेम फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स एंड दिस रिएक्टेंट आल्सो। मैंने ये तीनों चीजें आपको सिखाई है, चलो जल्दी जल्दी से ट्राई करो। एंड देन आई राइट डाउन दी प्रोडक्ट्स ऑन दिस स्क्रीन, दो मिनट ले लो, आपको अपने आप को ये सब पूछना है, गरीब को और गरीब बनाओ, समझा, ऐसे पूछो। एंड देन चोरी से उल्टा काम कर लेना है, शुरू करता हूँ। इफ यू आर डन यू कैन चेक योर आंसर्स ऑन दिस स्क्रीन। सो ब्यूट वन इन आई रिमूव एंड आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज हाउ ब्यूट वन शुड लुक लाइक इन योर बुक ऑल्सो। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको कंडेंस्ड पैटर्न लिख सकते हो, आई एम श्योर वो बहुत लोगों को पता है, वो भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको। ये आ गए मेरे क्वेश्चन CH2, इफ पॉसिबल आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस, इंक्लूडिंग आई थिंक सताक्षी एंड त्रिषा एंड बाकी कौन कौन फॉलो कर रहा है, नो आइडिया, प्रथम शाह मे बी यू ऑल्सो फॉलोइंग दिस। कलर कोड आप अलग अलग कलर अगर यूज करो तो अच्छी बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा काम आ जाएगा अगर आप अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहे हो। CH2 देन CH देन CH2 एंड CH3, एक बार स्क्रीन पे चेक कर लो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला जरूर बनना चाहिए था। ये देखो, ये मैंने अब तक ऐड किया ही नहीं है कुछ, ऐड किया ही नहीं है कुछ, सिर्फ डबल बॉन्ड निकाल के दो नई वैलेंसी क्रिएट कर दी और कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया, ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया। ओके चलो, तो लोग वेटिंग रूम थे ना उनको मैंने ऐड कर दिया वापस से लेक्चर में, आई एम श्योर आपको रीजन पता है आप वेटिंग रूम में क्यों थे, डू नॉट रिपीट द रीजन, मेक श्योर यू आर देयर विद योर कैमरा ऑन, ठीक है। चलो ये रेडी हो गया, अब मैं क्या करूंगा सर, मैं दो मिनट कैमरा बंद कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, दो मिनट कैमरा बंद कर, आपको अगर दो मिनट तीन मिनट कैमरा बंद करना होता तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस स्टूडेंट्स, नाउ चलो अब क्या करेंगे, अब मैं HBR को मार्कोनिकोव के हिसाब से ऐड करना शुरू करूंगा, गरीब को और गरीब बनाओ। तो मैं क्या करूंगा,
ये जो गरीब दिख रहा है उसको मैं दे दूंगा, अभी यार मैं बोलूंगा तुझे एच गलती से भी नहीं दूंगा, मैं तुझे और गरीब बनाना चाहता हूँ, और अमीर को बोलूंगा तू एच ले ले, तू और अमीर बन जा, जा तू और अमीर बन जा, चेक करो ये क्लियर है, ये मैंने मार्कोनिकोव के हिसाब से किया क्या, चेक करो ये मार्कोनिकोव के हिसाब से किया क्या मैंने, सो मैं इस प्रोडक्ट को क्या प्रोडक्ट बोलूं, इस प्रोडक्ट को क्या प्रोडक्ट बोलूं मैं, मेजर मेजर सर शाबाश मेजर, नेक्स्ट चोरी से अपन उल्टा काम कर ले, चोरी से उल्टा काम कर ले, सो एक बार बी आर को यहाँ दे दिया, एच को यहाँ दे दिया, और हमने ये को मार्कोनिकोव के हिसाब जाके दिया, सो हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, शाबाश। पहले हाथ ऊपर कर दो, कैमरा में हाथ ऊपर करके मुझे दिखाओ किस किस का ये करेक्ट किया है, किस किस का ये राइट किया है, शाबाश वेल डन मेजोरिटी ऑफ यू, प्रेम तेरा राइट गया, प्रेम राइट गया, ये वाला प्रेम प्रेम प्रेम, यस सर, ओके गुड, व्हाट अबाउट अदर्स, अश्विनी प्रथम वर्गमा, देवेश स्टिल योर कैमरा इज ऑफ, सर सर ऊपर का वो इक्वेशन भी बैलेंस करना है ना अभी, एब्सोल्युटली बैलेंस करना ही पड़ेगा अपने को, एकदम जरूरी बात है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, अब अपन कहाँ जाएंगे, आप बैलेंसिंग तो जरूर करो, ठीक है, ये देखो ये बैलेंसिंग पार्ट मैंने नहीं लिखा है, आपको बैलेंसिंग जरूर करना पड़ेगा, एंड देन आप जाके नेमिंग करो, चलो नेमिंग ट्राई करें, कौन मुझे नेमिंग बताएगा, yes, नेमिंग किसी ने किया है तो ट्राई करो, यस यस गो अहेड, किसका नेमिंग बता रहे हैं, पहले का सर फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलना है, यस रिएक्टेंट का बता, कॉमन नेम क्या है रिएक्टेंट का, आयुष ऑडियो ऑन करना पड़ेगा तुझे आवाज देने के लिए, अल्फा ब्यूटिलिन, वेरी गुड दैट इज राइट आंसर, आयुपैक, और सर आयुपैक ब्यूटवनिन, वेरी गुड, आयुपैक तो मैंने खुद ने बोल दिया था, ठीक है प्रोडक्ट में ला, प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट सर, मेजर प्रोडक्ट में सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड कॉमन नेमिंग आएगा, सुपर, और आयुपैक है, आयुपैक आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वेल डन आयुष क्या बात है, वेल डन, यस पलक सर, माइनर का, माइनर का बता सर, माइनर का एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सुपर वेल डन एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, मैंने ब्रोमो ब्यूटेन लिखना चाहेगा, ब्रोमो ब्यूटेन भी आंसर राइट है, ब्रोमो ब्यूटेन राइट क्यों है, आपको 1 स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको ये एवरी टाइम बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू मी आपको 1 लिखना ही चाहिए, जब आप 1 लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि 1 लिख रहा मतलब नंबर जरूरी था, तो एवरी टाइम आप नंबर डालना शुरू कर दोगे, it will start putting the numbers also every single time, okay, should I move ahead, ek aur example aap le loge iska, yes sir, yes sir, example lete hain iska, naming ek aur bar batao sir, kya bol raha hai sir, product ka naming ek aur bar batao na, jo product aaya tha pichle wale mein, major ka naam hai sacbutyl bromide, iupac hai 2 bromo butane, minor ka hai n butyl bromide, iupac hai 1 bromo butane, okay sir, okay, theek hai, chalo reactant le raha hu main students, रिएक्टेंट नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं अगेन रिएक्टेंट का सिर्फ नाम लिखूंगा, आप चेक करो आपको स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है क्या इसका, ओके, आइसोब्यूटिलीन में आपको ऐड करना है एच आई, आइसोब्यूटिलीन में आपको ऐड करना है एच आई, आपका कैमरा ऑफ होगा, आप लेक्चर के सीधा बाहर चले जाओगे, ठीक है, सो इस बात का भी ध्यान देना, आइसोब्यूटिलीन में एच आई आपको ऐड करना है, दिस इज 1 एग्जाम्पल, एंड देन यू हैव टू ऐड, and then you have to add isobutylene में HI के अलावा second reaction, ये आपका reaction number 3 है students, reaction number 3 यहाँ पे लिखता हूँ, reaction number 4 की बात कर रहे हैं, 2,3-dimethylbutene, ठीक है, butene में आपको add करना है HCl, चलो शुरू हो जाए once you're done you can raise your hand, monarch hath niche kar liye, monarch the hand raised, once you're done students please raise your hand, and jaise hi 10 logo ka at least ho jaye I'll go ahead with the answers, okay I'm waiting, okay
सर थर्ड वाले में डबल बॉन्ड किधर आएगा ये स्पेसिफाई कैसे होगा? वाले में डबल बॉन्ड किधर आएगा ये तो स्ट्रक्चर पता लगने पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर इसका नहीं पता इसलिए तू ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्ट्रक्चर पता है तो आंसर मिल जाएगा। आइसोब्यूटिलीन किस किस को आ गया रेज़ हैंड? आइसोब्यूटिलीन किस किस को आ गया रेज़ हैंड? वेल्डन अक्षत और कौन है जिसको आ गया आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर? तुषार को आ गया, मुनार को भी आ गया, तुषार को भी आ गया, प्रेम को भी आ गया, चार पांच जन एनीबॉडी एल्स? शताक्षी को आ गया, ओके गुड। क्रिस्टिना, अभिषेक का, अभिषेक बुक दिखा कैमरा में, स्ट्रक्चर दिखा एक बार कैमरा में, आइसोब्यूटिलीन वाला खाली दिखा, ठीक है? पूरा रिएक्शन नहीं, सिर्फ आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर। ओके अंडरस्टूड, वेल डन वेल डन, ठीक है ठीक। सर मैं दो मिनट के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। दो मिनट के लिए अगर आप वीडियो ऑफ करते हो तो उसके लिए परमिशन नहीं लेने का, यू कैन स्विच ऑफ एंड देन यू कैन स्विच ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? जो समझ में आता है कौन कौन कैमरा ऑन करके बैठा है, तो उसने अचानक से कैमरा ऑफ किया तो इट वोंट मैटर बिकॉज आई नो कि एंटायर लेक्चर में उसका कैमरा ऑन ही रहता है। यू डोंट हैव टू आस्क फॉर परमिशन, इट इज ओनली दैट जब आप चालाकी दिखा के कैमरा ऑफ करके आराम से सो जाते हो तब वो प्रॉब्लम।
शुड वी स्टार्ट? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. So hand was done with both the reactants. Go ahead. Last 1 minute pending. फिर से rejoin करते हैं. मैं session end कर रहा हूँ. वापस से start the session. Rejoin me again. Let us go with the solving. Okay. Isobutylene 2,3-dimethyl butyrate.